ज्यादातर आकांक्षापुरी की ये जो केस वाला वीडियो था उस पर आखिर जनता का क्या राय, क्या बयान आया, और यही नहीं बल्कि जनता जो है, जो व्यूअर्स हैं वो क्लियरली डिस्गस्ट हो गए हैं एकदम, उनको ये जो चीज़ है बिल्कुल भी पसंद नहीं आई है, टू बी फेयर टू बी ऑनेस्ट। लेकिन उन्होंने आखिर क्या क्या कमेंट्स किए हैं वो कमेंट्स मैं आपके सामने रखता हूँ। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं फीफा फूज और मैं हूँ आपका अपना दोस्त और होस्ट गणेश कांदू। आपको बता दूं कि इस समय लाइव फीड में आकांक्षा हर जगह पर ये बोलती फिर रही है कि उनसे गलती हो गई, उनको ये चीज नहीं करनी चाहिए थी। तो जब किसी चीज का मलाल हो, ऐसी चीज ही नहीं करनी चाहिए थी उनको, और वो भी कैसे रियलिटी शो में, जो उन्होंने चीज की क्लियरली उनको भी शायद ये चीज पता थी कि ये चीज बैकफायर कर सकती है, तो उनको शायद हो सकता है कि इस चीज पर ध्यान देना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था वो चीज। क्योंकि इस मूवमेंट पे अगर देखा जाए, आकांक्षा कितना भी जाकर किसी को भी जस्टिफिकेशन दे दें, ये चीजें उनके ऊपर बैकफायर ऑलरेडी कर चुकी हैं। को बता दूं कि सलमान खान ने जब इस शो के बारे में बात की थी, जब इस शो लॉन्च किया था, तो सलमान ने एक बात बोली थी कि इस शो का बैरियर मैं हूं, इस शो के बीच का बैरियर मैं हूं, मैं लाइन किसी को भी क्रॉस करने ही नहीं दूंगा। लेकिन लाइन तो ऑलरेडी ऐसा लग रहा है कि क्रॉस हो गई है, जनता ऑलरेडी ये चीज कह रही है कि लाइन ऑलरेडी क्रॉस हो चुकी है, और जनता काफी ज्यादा गुस्से में भी है, काफी ज्यादा आक्रोश में भी है। कुछ लोग तो ये भी बोल रहे हैं कि यार बिग बॉस देखना बंद करना पड़ेगा। जब से पुनीत सुपरस्टार जो है, जब से उनकी एग्जिट हुई है बिग बॉस के घर में से, तब से हर चीज जो है बिग बॉस पर काफी ज्यादा नजर गड़ाए हुए हैं बहुत लोग। अब्दू आज बिग बॉस के घर में एंट्री करने वाले हैं। देखने वाली बात है कि अब्दू ज़ाद और आकांक्षा के इस इंसिडेंट पर क्या कहते हैं। मैं फिलहाल आपको वीडियो दिखाता हूँ, वो कौन सा वीडियो है जिस वजह से इतना ज्यादा बवाल हो रहा है, ये आप देख सकते हो वीडियो है। इस वीडियो पर काफी ज्यादा बवाल मचता हुआ दिख रहा है, यही वीडियो है वो कल के सिंह का जो वीडियो था। तो इस पे किसी ने चीज लिखी है, मतलब जिसने शेयर किया उन्होंने लिखा है चीज कि सलमान खान हैड सेड ही विल लेट बिग बॉस कंटेस्टेंट्स क्रॉस द लाइन, ही विल नॉट लेट बिग बॉस कंटेस्टेंट्स क्रॉस द लाइन, लेट सी हु ही रिएक्ट्स टू दिस किस बाय आकांक्षा पुरी एंड ज़ैदातेर। और इस पर जनता ने रिप्लाई किया है, मतलब ये जो किस वाला इंसिडेंट है ना भाई, उसने लोगों का ध्यान खींचा जैद के कमेंट ने। उसके बाद जैद कहते हैं कि आकांक्षा जो है बैड किसर है, अविनाश को जाकर उन्होंने बात बोली थी और टास्क भी अविनाश ने ही दिया था। तो जैद के कुछ कमेंट्स हैं जो जनता कह रही है, जनता कह रही है इन सारी बातों पर। जैद किसने लिखा है, जैद डिस्कसिंग कमेंट अबाउट आकांक्षा पुरी किश शुड गो वायरल नॉट देयर किसिंग सीन, फोकस ऑन बेटर थिंग्स, पीपल ब्रिंग चेंजेस टू द वर्ल्ड यू ठरकी लोग। उसके बाद को लिख रहा है, आफ्टर किसिंग आकांक्षा पुरी जैद सेड ब्रो आकांक्षा इज अ बैड किसर टू अविनाश सचदेव एंड या लाफिंग, ओनली पूजा भट्ट टुक अ स्टैंड फॉर दिस कमेंट, शेमफुल। उसके बाद को लिख रहा है कि जैद इज सच अ पावर्ट, ही वॉज आस्किंग आकांक्षा टू डू इट अगेन, He should be thrown out the house immediately. उसके बाद कोई लिख रहा है कि will be brought up on weekend का वार and everyone will take this as an opportunity to lash out at Akansha Puri. But the fact that no one stopped Avinash from giving such task, not even Pooja, should not be forgotten. Akansha said movies में भी तो करते हैं, we are actors. उसके बाद कोई लिख रहा है कि I haven't seen an episode yet, but just want to suggest that if someone questions her, this also should be questioned that why was such task given. तो इस पर आपकी क्या राय है हमें जरूर बताएगा, क्योंकि जनता बहुत ज्यादा भड़की हुई है। इस पर आपकी क्या राय है हमें जरूर बताएगा हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर, और इसी तरीके की और भी बहुत सारी अपडेट्स जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ, यानी कि फीफा फूज के साथ। धन्यवाद।